नमस्कार दोस्तों, यूं तो मेरा YouTube चैनल एक फैक्ट्स कैटेगरी का YouTube चैनल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा एप्लीकेशन का एड मैं देख रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। आपको फाइंड आउट करना है ना कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, किससे होगी, सोलमेट कौन है। आराम से जस्ट डाउनलोड दी एस्ट्रोटॉक ऐप, और यही नहीं, पहला चैट मेरी तरफ से फ्री। दोस्तों, यही है वो एप्लीकेशन जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक। आपने भी इसका एड जरूर से जरूर देखा होगा, और आपको प्ले स्टोर पर इसी तरह की लगभग 10 और एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सच में फ्रॉड है, उसका प्रूफ मैं आपको इसी वीडियो में आज देने वाला हूं। मैं जानबूझकर इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको सीधे प्रूफ तक ले चलता हूं, जिसको देखने के बाद आपको ये समझ में आ सके कि इन तरीके की एप्लीकेशंस का यूज आपको करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। दरअसल इस एप्लीकेशन का काम है घर बैठे लोगों को बहुत सारे अनुभवी ज्योतिषी और पंडितों से जोड़ना, जिससे वे अपनी डेली लाइफ की समस्याओं का समाधान आसानी से पा सके। अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई बीमार रहता है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर इस तरह की बहुत सारी परेशानियों का समाधान आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू दिया जाता है, ऐसा इस एप्लीकेशन का कहना है। तो दोस्तों, ये मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप इंस्टॉल भी कर लिया है और उसको ओपन भी कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे अलग अलग न्यूमरोलॉजर्स मिल जाएंगे। तो मैं इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिनसे आप चैट भी कर सकते हैं और कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कॉल पे ही बात करूंगा। तो इनमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ अजय जी को, जिनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है, इन्हें हिंदी लैंग्वेज आती है, तो मैं सीधे इनसे कॉल पे बात करता हूँ। तो चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि इनसे 1 मिनट बात करने के लिए मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 5 रुपए पर मिनट इनका चार्ज है। तो चलिए इनको डायरेक्टली कॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सोल्यूशन हमको देते हैं, क्योंकि मैं ऐसा झूठ मूठ का बोलने वाला हूँ कि मैं SSC या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये क्या सोल्यूशन हमें देते हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार सर। जी सर, मकर लगना आपका सिंह राशि है। जी, आपके चेहरे पे कोई निशान, कोई मार्क, कोई तिल वगैरह है? हाँ, एक तिल है चेहरे पे। और आपकी दशा चल रही है मंगल की? जी नहीं, एक्चुअली सर मुझे 2 चीज़ों के बारे में जानना है। पहला तो मेरा स्टडीज से रिलेटेड है, पढ़ाई, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, और दूसरा मैं बहुत बीमार रहता हूँ, तो इन दोनों के बारे में मुझे पता करना है कि मुझे मतलब सक्सेस कब मिलेगी। जी, और बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ता रहता हूँ मैं, तो उसके बारे में मुझे जानकारी। आपका एक्चुअली मंगल लग्न का है, आप मांगलिक हैं। जी, ठीक है। और राहु है आपका अष्टम का, उसके साथ चंद्रमा बैठा है, तो राहु चंद्रमा को पीड़ित करता है। तो आप अगर बीमार होते भी हैं तो आप ना मेंटल स्ट्रेस वगैरह बहुत ज्यादा लेते होंगे। जी, आप स्ट्रेस वगैरह की वजह से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आपको एसिड रिफ्लक्स वगैरह भी होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। फीवर और कोल्ड और ऐसा कभी बहुत ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली मुझे होता रहता है। या लीवर से नहीं, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, पेट से रिलेटेड। मैं स्टमक से रिलेटेड कह रहा हूं सर। जी जी, लीवर नहीं कह रहा। हेलो हेलो। जी सर, वो सर कुछ नेटवर्क इशूज की वजह से एक्चुअली कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, जी सर, मैंने वो आपसे बोला था ना कि मैं फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ जाता हूँ, और वो पढ़ाई के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं सही सर, मैंने आपको कहा था कि किसी ईयर के एंड तक ना आपका किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा। ओके, और सर हेल्थ इश्यूज का क्या था, वो आपने कुछ बताया था? हेल्थ इश्यूज के लिए मैं बता दूं कि आपका ना चंद्रमा और राहु इकट्ठे बैठे अष्टम स्थान में। जी जी, तो जिस वजह से आपको आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, हेल्थ इश्यूज, एलर्जीज वगैरह भी रहती हैं। जी जी, एलर्जीज वगैरह भी रहती हैं। तो आप क्या कीजिए कि आपके कमरे के पास कोई बालकनी या कमरे में कोई आपकी कोई पौधा रखा हुआ है क्या? नहीं सर, पौधा तो नहीं रखा है मेरे कमरे में। जी, और आपको ऐसा भी फील होता है कि कभी-कभी कि मतलब जैसे बहुत जल्दी आपको किसी से मिलके उसकी वाइब समझ आ जाती हो? हाँ, कि इंसान भरोसे लायक है या नहीं है? हाँ, ऐसा होता है मेरे साथ। जी, तो अपना लाइफ में ना आपने कुछ स्टोन वगैरह पहन रखा है? जी जी, मैंने नीलम पहन रखा है। नीलम पहन रखा आपने? जी। क्या फायदा रहा नीलम पहनने के बाद? एक्चुअली सर, ये मैं जब अपनी स्टडीज में था 10th एंड 12th में, तब मैंने एक्चुअली पहना था, तो अच्छे रिजल्ट निकले थे, बहुत कंसंट्रेशन मेरा बढ़ गया था, तो इसलिए मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा था। जी, इसको पहनने के बाद ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना कि कभी भी कहीं पे भी दर्द हो जाना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। और कोई बुरे सपने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, अब आपने नीलम पहन रखे जी, तो आपको मूंगा तो मैं पहन नहीं सकता। जी जी, नहीं तो आपको मैं मूंगा पहना देता, तो ब्लड प्योरीफाई करने का काम करता, और वो आपकी कुंडली में चतुर्थ और 11वें भाव का मालिक होकर लग्न में बैठा है, तो आपको फायदा ही देता। नवांशा में वो 6th हाउस में जरूर बैठा है, पर आपके रोग ग्रहण शत्रु का नाश करता जी, और वो अष्टम का
तो दोस्तों फाइनली मैंने इनकी कॉल को डिसकनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब मैंने कॉल स्टार्ट की थी तो मेरे वॉलेट में 75 रुपए थे और अब मेरी वॉलेट में आप देख सकते हैं सिर्फ 15 रुपए बचे हैं। और जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैं थोड़ी झूठ मूठ की कहानियां बनाऊंगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं या फिर मैं बीमार रहता हूं, और वैसा ही मैंने किया। और आपने देखा भी कि कैसे वो मेरी हां में हां मिलाते चले गए, जबकि भगवान की दया से अगर मैं बोलूं तो मुझे पिछले कुछ सालों में किसी भी तरीके की छोटी या बड़ी बीमारी नहीं हुई है। और इसके साथ साथ मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट जॉब करता हूं, ठीक ठाक अर्निंग भी कर लेता हूं और साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी रन करता हूं। इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे ज्योतिषी और पंडित हैं, लेकिन सबके चार्जेस अलग अलग हैं। किसी का 10 रुपए पर मिनट है, किसी के 20 रुपए पर मिनट, किसी के 50 रुपए पर मिनट भी हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये सारा पैसा उन ज्योतिषी या पंडित के अकाउंट में नहीं जाता है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा इन्हें मिलता है और बाकी का पैसा कंपनी अपने अकाउंट में रखती है। और जो लाइव कॉल का प्रूफ आपने देखा है वो सिर्फ एक लाइव कॉल का प्रूफ था। ऐसे मैंने लगभग 4 से 5 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया और मैंने देखा कि किसी ने 10% चीजें सही बताई, किसी ने 20%, किसी ने 30% और किसी ने 50% चीजें भी सही बताई। तो मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एप्लीकेशन से जितना हो सके आप दूर रहें, इनका यूज ना करें, खास करके मिडिल क्लास के लोग इससे दूर रहें, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं और एक तुक्के की तरह चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको सच में अपनी कुंडली दिखानी है तो किसी अपने जानने वाले ज्योतिषी या पंडित को दिखा लीजिए, वहां से निश्चित आपको लाभ जरूर हो। और वीडियो अच्छा लगा हो फिर भी मैं इस वीडियो को लाइक करने के लिए या चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके ये जानकारी जरूर उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।